दोस्तों, दिन पे दिन NFSC शेयर आपको नया रिकॉर्ड बनाते हुए देखने को मिल रहा है और दिन पे दिन बड़ी बड़ी न्यूज़ पेज के ऊपर आ रही है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि NFSC शेयर का टारगेट क्या लेकर चलना पड़ेगा कल के लिए, और जो लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं अभी की प्राइस पे क्या उनको इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है, और जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं क्या उनको अभी की प्राइस पे इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है लंबे समय के लिए, सारे सवाल इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे हम। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा कि दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो। फिलहाल अभी की प्राइस पे 99.10 पैसे के आसपास की मार्केट प्राइस चल रही है इसकी। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पे पिछले अगर मैं 5 डे 10 डे की बात करूँगा यहाँ पे तो आपको काफ़ी शानदार रिटर्न मिल चुका है। यहाँ पे अगर मैं एक मंथ की बात करूँगा तो पिछले एक मंथ में आपको शेयर रिटर्न दिया है 7 रुपये के आसपास का, तो उम्मीद से बढ़ के आपको शेयर रिटर्न दे चुका है। लेकिन बीच बीच में स्टॉक डाउन भी गया था, लगभग काफ़ी डाउन गया था 91 और बीच बीच में 88 के आसपास भी गया था। लेकिन जिन लोगों ने 88 का टारगेट लेके चल रहे हैं वो अभी की प्राइस पे, उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, लंबे समय के लिए होल्ड करो 6 मंथ के लिए। यकीन करो, 6 मंथ में आपको कम से कम 150 से 200 रुपये के आसपास की प्राइस शेयर दे सकता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है दोस्तों, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कल अगर आपको लगता है शेयर में, तो आपको 105 का लेवल देखने को मिल जाएगा।